पिछले पाठ में हमने अल्कोहल में पाए जाने वाले ओएच माइनस ग्रुप के बारे में पढ़ा था। अब ऐसे ही कुछ और सामान्य ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप इसका ढांचा यानी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें CHO ग्रुप होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड एक कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एक कार्बन जो हाइड्रोजन से एक बॉन्ड से और ऑक्सीजन के एटम से दोहरे बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। वो सभी यौगिक यानी कंपाउंड्स जिनमें यह ग्रुप होता है में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। वो सभी कार्बनिक कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप जुदा होता है, उन सबके नाम अल से खत्म होते हैं। जैसे यहां देखिए, एथनल, इसका मतलब है कि इसमें दो कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि एथनॉल एथ से शुरू होता है और नाम के आखिरी में आता है अल, जो इस बात का संकेत देता है कि इसमें CHO ग्रुप है। तो यहां एक कार्बन एटम एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आ गया। यह प्रोपेनल है, क्यों? तीन कार्बन एटम्स का मतलब प्रोप और आखिरी में लिखा है अल, जो बता रहा है कि यहां एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसा ही एक और सामान्य ग्रुप है कीटोन। इसमें एक कार्बन है जो ऑक्सीजन से दो बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़ा है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दोहरा बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। वे कंपाउंड जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उनके नाम के आखिरी में ओन लगाया जाता है, जैसे कि प्रोपनोन। इसमें तीन कार्बन एटम्स हैं, इसमें से एक कार्बन कीटोन के साथ आता है, यानी कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के साथ दोहरे बॉन्ड से जुड़ा है। ऐसा ही एक और काफी जाना पहचाना ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला है COOH। हम लोग जो विनेगर इस्तेमाल करते हैं वह भी ऐसा ही एक कंपाउंड है। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जिसमें यह ग्रुप होगा वह एक एसिड की तरह ही पेश आएगा और इनका नाम ओइक एसिड के साथ खत्म होता है। जैसे कि एथनोइक एसिड, जिसमें दो कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बन एटम में यह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है। और यहां हम प्रोपनोइक एसिड की बनावट देख सकते हैं। इसमें तीन कार्बन एटम्स हैं और इनमें से एक कार्बन एटम में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है। तो अब हमने देख लिया है कि सभी एल्केन्स जो संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन सबका एक सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसी तरह एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। उसी तरह सभी एल्कोहल्स का एक सामान्य फॉर्मूला होता है, यह है CnH2n+1OH। तो चलिए मेथनॉल का फॉर्मूला देखते हैं, यह है CH3OH। एथनॉल के लिए यह होगा C2H5OH और प्रोपेनॉल का होगा C3H7OH। तो याद रखिएगा, एल्कोहल का जनरल यानी सामान्य फॉर्मूला है CnH2n+1OH। कंपाउंड्स की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही जनरल फॉर्मूला हो उसे होमोलोगस श्रृंखला या सीरीज कहते हैं। तो अल्केन्स होमोलोगस सीरीज का एक उदाहरण है और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसी तरह एल्कीन्स भी होमोलोगस सीरीज का एक अच्छा उदाहरण है, इनका सामान्य फॉर्मूला होगा CnH2n। बाय बाय।